हेलो गाइस, आज हम लोग सेट्स पर कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 15 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स बी एंड सी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, and 8 people like all the 3 products. Find first how many people are surveyed in all, second how many like products C only. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। तो ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है। यहाँ पर यूनियन होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो नंबर ऑफ पीपल्स एन ए कितना हो गया हमारा, 21। सिमिलरली एन बी 26, एन सी इज इक्वल टू 29। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो यहाँ पर ए यानी ये पूरा जो यहाँ पर पीपल्स हैं उन्हें प्रोडक्ट ए, 21 पीपल्स ऐसे हैं जो ये पूरा कवर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, यानी यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी। वैसे ही बी के लिए सी प्लस बी प्लस जी प्लस डी एंड 29 इन सी, यानी एफ प्लस जी प्लस डी प्लस ई। अब हमें फर्दर क्या क्या रिजल्ट्स दिए हुए हैं, हमें क्या क्या क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है। ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 14 पीपल्स। ए यूनियन बी हमारे कितना है, 14 है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग का कौन सा स्पेस कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ये एरिया हमारा ए यूनियन बी है, यानी बी प्लस जी। सिमिलरली बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में हमारे कितने प्रोडक्ट्स है, 15 प्रोडक्ट्स है। एंड एन सी यूनियन ए विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर बी प्लस जी था हमारा ए यूनियन बी में, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में हमारा कितना है, जी प्लस डी। एंड सी यूनियन ए, सी यूनियन ए हमारा क्या है, एफ प्लस जी। तो यहाँ पर हमारा कितना है, बी यू बी प्लस जी हमारा 14 है, जी प्लस डी 15 है एंड एफ प्लस जी 12 है। अब हमें एक और चीज़ दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 8, यानी जी का वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है। जी हमारा कितना है, 8 है। तो जब हमारा जी 8 है तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हमारा कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4, एफ 4 हो जाएगा। वैसे ही हमारा बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 माइनस यहाँ पर हमारा क्या है, बी कितना है हमारा, 14 है, और सॉरी ए यूनियन बी यानी ये पूरा पार्ट हमारा 14 है जिसमें से 8 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना लेफ्ट बचा, 6। वैसे ही हमारा डी कितना बचेगा, कैलकुलेट करिएगा तो हमारा डी का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगभग सब वैल्यूज मिल चुके हैं, एफ है हमारा 4, बी है हमारा 6 एंड डी है हमारा 4। तो ये 6 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया, 18। और ए में हमारा कितना है, 21, ये 21 ऐसे पीपल हैं जिन्हें ए प्रोडक्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा 18 हो चुका है और कितने बचे, 3। तो यहाँ पर 3 ऐसे पीपल्स आ जाएंगे।
और वैसे ही यहाँ पर सी हमारा कितना बचेगा, ऐसे ही सबका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे वैल्यूज रिस्पेक्टिवली आ जाएंगे। तो F4 है, B6 है एंड G8 है। डी यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, जी का वैल्यू 8 है, वहाँ पर चल जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो हमारा वैल्यू 7 आएगा। तो यहाँ पर 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21 और बी का हमारा वैल्यू कितना है 26 है, तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा। और वैसे ही यहाँ पर 8 प्लस 4 हो गया हमारा 12, 12 प्लस 7 19 एंड सी का वैल्यू कितना है 29, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा ई का। तो हम लोग हर एक एरिया का वैल्यूज निकाल चुके हैं, अब इसी के रिस्पेक्टिवली हम लोग सब क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल। तो हम लोग का जो फॉर्मूला हम लोग जो स्टडी किए हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ए हमारा कितना है 21 प्लस एन बी 26 प्लस 29 माइनस 14 एन ए इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 14। यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, इंटरसेक्शन का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ए एंड बी को क्या पसंद है, 14 पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट ए एंड बी पसंद है। तो 14 पीपल्स जो मतलब इंटरसेक्शन आ रहे हैं जो दोनों में, ए में भी इंक्लूड है बी में भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पीपल्स हैं जो दोनों ही प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। तो 14 आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा है 15 एंड ए इंटरसेक्शन सी कितना है हमारा 12 और जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8। जब इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 43। तो 43 टोटल पीपल्स हैं जिन्हें जो प्रोडक्ट ए बी एंड सी लाइक करते हैं, जो यूज करते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी पीपल्स लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो प्रोडक्ट सी ओनली देखा जाए तो सिर्फ 3 ही ऐसे पीपल्स हैं जिन्हें प्रोडक्ट सी पसंद है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 3 पीपल्स। ऐसे ही इसी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे हाउ मैनी पीपल्स लाइक प्रोडक्ट बी ओनली, तो बी में कितने आ जाएंगे 5। हाउ मैनी पीपल्स लाइक प्रोडक्ट बी एंड ए ओनली, तो बी एंड ए में क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 8। हाउ मैनी पीपल्स लाइक प्रोडक्ट बी सी एंड ए, तो बी सी ए तीनों प्रोडक्ट जो लाइक कर रहे हैं तो वो कितने पीपल्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन यानी 8। फर्दर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स विच लाइक एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स। तो एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, कम से कम 2 प्रोडक्ट्स, यानी 2 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। तो 2 में हमारा क्या क्या आ जाता है, F प्लस B प्लस D प्लस G। तो इन सब का वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे एंड जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मैनी पीपल्स लाइक एटमोस्ट टू प्रोडक्ट्स। तो एटमोस्ट 2 प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, 8 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे पीपल्स हैं जिन्हें ऑल द 3 प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, लाइक करते हैं, और बाकी सबको इन्हें सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स और जो रेस्ट हैं उन्हें 1 प्रोडक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये सारे ऐड हो जाएंगे एक्सेप्ट जी। ऐसे ही बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन से। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे उससे बन सकते हैं और उनके आंसर इन्हीं क्वेश्चन से कैसे निकाला जा सकता है।
फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जैसे इफ़ ए, सेट ए हमारा क्या है 3, 4, 5 जो मेंबर है सेट ए का, (6) फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है 4, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, जो कि फॉल्स है क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ये 4, 5 इस सेट का एक मेंबर है। हम लोग इसे एक मेंबर कंसिडर कर सकते हैं, इसे एक सेट हम लोग नहीं, इसे सबसेट नहीं बुला सकते हैं हमें, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही 4, 5 अब ये कहलाएगा सबसेट जब इसे हम लोग डबल ब्रेसेस में रखें। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्दर 4 इज अ मेंबर ऑफ ए, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे ही और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां पर 4 जो कि मेंबर ऑफ ए है या नहीं है, यहां पर ये मेंबर ऑफ ए नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे इसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ ये ट्रू है क्योंकि ये एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग इसे ब्रेसेस के अंदर पुट कर दिए तो यहाँ पर ये एक सेट हो जाएगा। 5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिर्फ 5 से ऐसे रिप्रेजेंट करें या सिर्फ ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करें, इन दोनों में से एक से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 5 विच इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है बट ये फॉल्स है। जैसे 3, 6 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।